आम जनता को जाम से निजात दिलाने के लिए जरूरी है कि तमाम लोडेड ट्रक इसमें सामान इत्यादि, अब ये देख सकते हो आप, ये ट्रक रात को आया है और एकदम से बारिश के कारण ट्रक बिल्कुल धस गया है। ये खासकर जब होता है, जब बारिश इत्यादि होती है, रात को दिखाई नहीं देता। और उन महकमों से भी मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, उन महकमों से जो सड़क की खुदाई करते हैं और साथ के साथ उसको ठीक नहीं करते हैं, कच्ची मिट्टी ढक देते हैं, जिसके कारण कोई भी गाड़ी आती है वो जान माल का भी नुकसान होता है और आम पब्लिक भी बहुत दुखी होती है। आप इसके ड्राइवर हो? हाँ। आपको पता नहीं लगा ये कैसे बारिश भरी थी, पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी बारिश, ऊपर बारिश थी। हाँ। आप कितने बजे आए थे? 5 बजे। सुबह 5 बजे आए हैं। आप देख सकते हो इसी तरीके से नजफगढ़ के चारों तरफ लगभग 10 गाड़ियाँ फंसी हुई है। आम पब्लिक कैसे जाए अपने स्थान तक, गंतव्य स्थान तक? इसको बचाने के लिए मैं ये प्रार्थना करना चाहूँगा, रात को बारिश के मौसम में ट्रक ड्राइवर अपनी लोडेड गाड़ियों को ले जाने से बचे। आपका क्या विचार है, रात को क्यों निकलते हो फिर बारिश में भी जब ऐसा होता है तो? अब ये रोड है ना, तो रास्ता इधर कर ही है, नहीं कोई बाईपास है नजफगढ़ का। हाँ। तो यही है ना, तो अब इसमें पता पानी के अंदर क्या पता चलेगा, कच्चा है पक्का है। हाँ, तो रिस्क तो है ये, ऐसा रिस्क आप बारिश में नहीं उठाना चाहिए ना, बचो इससे, ये भी सही है ना। हाँ। थोड़ा बचा जाए और आम पब्लिक को जिस सुबह जाए आए जाम में निजात मिले। मैं SI रामवीर सिंह सांगवान, ZO दिल्ली ट्रैफिक पुलिस नजफगढ़ सर्कल, आप इस तरह की गलतियां करने से बचें। जय हिंद।